फ्रेंड्स, ऑमलेट बनाने के लिए मैं आपको दो अंडे का ऑमलेट बता रही हूँ। उसके लिए दो अंडे, दो ब्रेड, चौथाई चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, चौथाई चम्मच मिर्च, मिर्च भी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, मक्खन एक टेबल स्पून, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और प्याज बारीक कटी हुई। आप इसमें और कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जैसे कैप्सिकम, टमाटो। सबसे पहले फ्रेंड्स दोनों अंडों को तोड़ के ग्लास में डाल लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें नमक, मिर्ची और गरम मसाला, आधे से पौन चम्मच गरम मसाला, या तो पौन चम्मच लीजिए या आधा चम्मच के करीब। काफ़ी अच्छा स्वाद देता है गरम मसाला ऑमलेट में। थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरी मिर्च अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं हरी मिर्ची। बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई प्याज। अब आप इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए, पूरा अच्छे से फेंटिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने पैन गरम कर लिया है, उस पे बटर, इसको अच्छे से पूरे पैन पे अंडे का मिक्सचर डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से फैला लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फैल गया है। अब आप इस पर अच्छे से ब्रेड को करके, और ये देखिए इस ब्रेड को भी, अब इसको अच्छे से नीचे से सिकने दीजिए, फिर हम इसको पलटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पलट दिया ऑमलेट को, अभी मेरा दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फोल्ड कर दिया अच्छे से। अब ये बिल्कुल आपका ऑमलेट सैंडविच की तरह बन गया है। आप इसको, ये देखिए, ये आपका पूरा सैंडविच की तरह बन गया है। आप इसको अच्छे से कट करके और सर्व कीजिए सॉस के साथ।